यूक्रेन च फसे विद्यार्थियों की जिन्हों के कई बड़ी गिनती पंजाबी विद्यार्थियों की भी है जिन्होंने लियाने की कोशिशें जरूर जारी ने, लेकिन लगता है कि इस मामले से पंजाब सरकार बहुता संजीदा नहीं है। गंभीर मुद्दे से मुख्यमंत्री चन्नी को मीटिंग करने का समा भी नहीं है। पंजाब के दस दें कि 1036 विद्यार्थियों चो सिर्फ 212 की ही हूं तक वापसी हो पाई है। 104 विद्यार्थियों बारे कोई खबर नहीं। पंजाब के 824 विद्यार्थियों की घर वापसी पंजाब सरकार के लिए चुनौती है। सांसद मनीष तिवारी ने भी सीएम चन्नी से सवाल चुके सन। सांसद मनीष तिवारी वालों मुख्यमंत्री चन्नी तो अलावा होर भी जोड़े सीनियर आगू ने जो लगातार पंजाब मॉडल की गल करते हैं, भावें वह नवजोत सिद्धू हो सुनील जाखड़ हो, उन्होंने निशाना साधा से, लेकिन पंजाब सरकार लगता नहीं कि इस मामले लैके कोई बहुता संजीदा है, क्योंकि हूं तक एक भी मीटिंग इस मुद्दे को लैके नहीं की गई है। इस गंभीर मुद्दे से मुख्यमंत्री चन्नी को मीटिंग करने का समा भी नहीं है। पंजाब ने दस दें कि 1036 विद्यार्थी ने जो सिर्फ जिन्हों से सिर्फ 212 की ही वापसी हुई है। 104 विद्यार्थियों बारे कोई खबर नहीं है। रविंदर मीत साढ़े सहयोगी जुड़ चुके हैं। रविंदर, जिथे हालात बेहद चिंताजनक ने यूक्रेन के विद्यार्थियों लियाने की कोशिशें केंद्र वालों जरूर की जा रही है, लेकिन जो पंजाब के विद्यार्थी फसे हुए हैं उसके बारे पंजाब सरकार लगता नहीं कि किस तरह की भी कोई गंभीरता विखा रही है। बिल्कुल राजा जी, बेहद संजीदा मसला है, क्योंकि 824 ऐसे हाले भी स्टूडेंट है जेडे पंजाब के यूक्रेन के फसे हुए हैं, जिन्हों वापस लियाने की कवायद पंजाब सरकार को करनी चाहिए है, क्योंकि बेहद संजीदा मसला है, जान का सवाल है, क्योंकि हालात यूक्रेन के बहुत ज्यादा जिहड़े गंभीर बने हुए ने। इसनों लैके हाले तक लगता नहीं पाया कि सरकार किसी भी तरीके तरह गंभीर नजर आ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री चन्नी ने हाले तक एक भी मीटिंग जिहड़ी हैगी विभागों नाल नहीं की, ना तो वो प्रधानमंत्री को मिले है, ना किसी तरीके की होर विदेश मंत्रालय में गलबात हुई है या मीटिंग पंजाब दे विच की है कि किस तरीके की चाराजोई हैगी पंजाब दे विच किहड़े किहड़े स्टूडेंट जिहड़े हैगे ने फसे हुए ने उन्होंने अपडेट लैण लई कोई मीटिंग की गई है। तो एक बेहद संजीदा मसले से लगता नहीं कि सरकार कोई संजीदा कार्रवाई कर रही है। हालांकि जिस तरीके ने आपां पहला भी दसा कि 104 स्टूडेंट जिहड़े हैगे ने उन्हां दा कोई अता पता ही नहीं है, उन्होंने लभन लई की चाराजोई की जा रही है पंजाब सरकार वालों। पंजाब के स्टूडेंट ने जिहड़े बाहर MBBS कर गए ने पढ़न गए ने, इस अलावा 1036 टोटल स्टूडेंट थे जिन्हों 824 स्टूडेंट हाले भी हाले तक भी जिहड़े हैगे ने हाले भारत वापस नहीं परते, पंजाब वापस नहीं परते, अपने घर वापस नहीं परते। तो बेहद संजीदा मसले को लैके लगता नहीं है कि मुख्यमंत्री कोई समा इस मसले को लैके है। जी रविंदर, शुक्रिया फिलहाल दी जानकारी ले। सो किते ना किते गंभीरता इस गंभीर माहौल गंभीर मुद्दे नूं लैके पंजाब सरकार नूं जरूर विखानी चाहिए है, जिहड़े विद्यार्थी पंजाबी उत्थे फसे हुए ने सो उन्हां दी वापसी हो सके इसलिए जो भी कदम चुके जा सकते हैं उस जरूर चुकने चाहिए।